बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी तहरीन सलीम कसीरी। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे इज़ योर आईसीटी क्लास ऑनलाइन विद स्मार्ट कंप्यूटिंग क्लास 4। ओके, तो आज की क्लास में मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी, तो जल्दी से स्टेशनरी ले लें। स्टेशनरी में जैसे आपने पेंसिल पिक करनी है, ओके, और अपनी बुक चेकआउट कर लें, और उसके बाद मूव करेंगे हमारे चैप्टर पर। तो चैप्टर हमारा थर्ड चैप्टर अब तक चल रहा है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, पेज नंबर 18। ओके, तो पेज नंबर 18 हम रीड कर चुके हैं, इसके बाद 19 भी रीड हो चुका है, 17 भी कंप्लीट हो चुका है, और ठीक है। तो आज का है 21, सही। पेज नंबर 21 पे आज की डेट हमने मेंशन करनी है, आज है 16 सितंबर। रेज कर दें, सितंबर 2020। ओके, तो स्टार्ट लेते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस से, ठीक है। द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। द सीपीयू डज कैलकुलेशन एंड कैरीज आउट मैनी अदर फंक्शन। इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है आपका कंप्यूटर, जिसको कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, जो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा कंप्यूटर का जो ब्रेन है, ठीक है, जिसका क्या कहा जाता है कंप्यूटर के ब्रेन को? सीपीयू, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है सीपीयू। ओके, इसके बाद सीपीयू है थ्री पार्ट। सीपीयू के तीन पार्ट्स हैं, कौन कौन से? अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ओके, तो ALU मीन अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। इट डज ऑल द कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सबट्रैक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। आपकी कंप्यूटर में जो भी किसी भी तरह की जो कैलकुलेशन होती है वो कहाँ होती है? ALU में होती है, ठीक है। इसके बाद है CU, मतलब कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। इट टेल्स अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर व्हाट दे शुड डू। ओके, ये क्या करता है? आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं कैलकुलेशन के अलावा, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन बल्कि ओवरऑल एक्टिविटी कंट्रोल करता है, ठीक है। तमाम एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है आपका? CU, ठीक है। इट टेल्स अ पार्ट अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये आपके कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स को क्या करेगा, कहता है, और फिर वो अपना काम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद है MU, मीन मेमोरी यूनिट। इट इज़ स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्प्रेरी, ठीक है। तो ये क्या करें, मेमोरी यूनिट में ही होता है कि आपका कुछ टाइम के लिए आपका डेटा स्टोर कर, जैसे अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन में क्या होता है कि हमने कैलकुलेशन किया, उसका आंसर हमें देते, मतलब वो कुछ टाइम के लिए इसका डेटा क्या होगा, वहाँ सेव होगा। इसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। द आउटपुट डिवाइसेस शोज द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। सम ऑफ द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर एस फॉलो, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस में होता है कि आपने जो भी काम अपना कंप्लीट कर लिया, इसके बाद वो अपना रिजल्ट प्रोवाइड करेगा किसके अंदर? आउटपुट डिवाइस में, चाहे वो मॉनिटर हो, स्पीकर हो, प्रिंटर हो। ओके, इन सब चीज़ों के जरिए आपका आउटपुट रिजल्ट आएगा। ओके, सबसे पहले डिवाइस है आउटपुट की मॉनिटर। मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस। इट डिस्प्ले बोथ टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। LCD मॉनिटर एंड प्लाज्मा मॉनिटर आर यूज नाउ अ डेज, ठीक है। मॉनिटर क्या है आपकी आम सी डिवाइस, मोस्ट कॉमनली डिवाइस है, ठीक है, जो एज अ आउटपुट जानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज द VDU से, मॉनिटर को VDU से भी ये जाना जाता है, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और इसके अलावा इसके दो तरह के टाइप से, एक होता है LCD और दूसरा क्या है, प्लाज्मा, ठीक है। तो LCD मॉनिटर एंड प्लाज्मा मॉनिटर। इसके बाद है प्रिंटर। अ प्रिंटर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर दैट वी इंट्रोड्यूस। द कंप्यूटर प्रिंट आउट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी है द डेटा एंड पिक्चर्स और इवन फिगर ऑन इट, ठीक है। हार्ड कॉपी प्रिंटर आपको क्या करता है, आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आपके पेपर्स पे। आप सिंपल ये लेने के, अगर आप MS पेंट के अंदर कोई भी आप ड्रॉ करेंगे पिक्चर वगैरह, ठीक है, आपने अपनी कोई भी ड्राइंग बना ली, कोई भी पेंटिंग बना ली, ठीक है, आप चाहो तो उसका प्रिंट निकाल सकते हो प्रिंटर के जरिए, ठीक है। तो आपने अपना पेंटिंग ड्रॉ कर ली, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल P करेंगे, तो P के जरिए आपकी जो आपने जो भी ड्राइंग की है वो आपकी हार्ड कॉपी की सूरत में शो हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर अलाउ यू टू हेयर साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर, ठीक है। स्पीकर क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि आप कंप्यूटर के अंदर जो भी किस्म का साउंड है वो आपको सुनाई देगा। हेयर मीन होता है सुनना। इसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेज। दीज डिवाइसेज आर नीडेड टू स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। सम सच एज डिवाइसेज आर एज फॉलो, ठीक है। स्टोरेज का मतलब होता है कि आपका डेटा सेव करने वाली डिवाइसेज, ठीक है। इसके अंदर आपका जितना भी डेटा इन्फॉर्मेशन है वो क्या होता है, सेव होता है। और इसमें कुछ डिवाइसेज होती हैं जिसके जरिए आपका डेटा, जिसमें आपका डेटा सेव किया जा सकता है।
पहली ये हार्ड डिस्क, दूसरी कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह, ठीक है। इसमें आपका जो भी डेटा होगा वो सेव हो सकता है। इट स्टोर ऑल द डेटा हार्ड डिस्क, इट स्टोर ऑल द डेटा ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, हार्ड डिस्क प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, ठीक है। ये होते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव्स, ठीक है। हार्ड डिस्क के अंदर आप अपना डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और ये कहाँ मौजूद होती है, सीपीयू के अंदर होती है, ओके। इसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी, इट इज़ स्टोर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इट इज़ पोर्टेबल डिवाइस, ईजी टू कैरी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीडी, ठीक है। ये आपके क्या पोर्टेबल डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस का मतलब होता है कि आप इसको ईजिली मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। इसके अंदर भी आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी पेन ड्राइव, इट इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस एंड इट स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इट वर्क फास्टर देन ओवर देन अदर स्टोर डिवाइसेस। अ कंप्यूटर हैज़ अ नंबर ऑफ पॉइंट इनटू व्हिच वी कैन प्लग इन वेरियस डिवाइसेस, दीज आर कॉल्ड पार्ट, दीज आर कॉल्ड पोर्ट्स। अ पेन ड्राइव हैज़ टू बी प्लग्ड इनटू द यूएसबी पोर्ट द कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या है आपका, ये एक यूएस डिवाइस है, ठीक है, जो क्या है आपकी अदर डिवाइसेस के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप इजीली सेव कर सकते हैं और उसको इजीली कैरी आउट कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा ये आप इस पिन के ज़रिए, ठीक है, आप अपने कंप्यूटर के अंदर उसको वो अटैच कर सकते हैं, ओके। तो अब ये कुछ आगे आपके रिमेनिंग जो एक्सरसाइजेस थी उसे हम करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है, उससे हम देख लेते हैं। मॉनिटर इज़ आल्सो नॉन एज द डिश, डीवीडी, वीडीयू या फिर टच स्क्रीन। मॉनिटर क्या है हमारा, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ओके। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सीपीयू, ठीक है। इनमें से क्या चीज़ है जो सीपीयू का पार्ट है, टच पैड, सीयू या माइक्रोफोन। क्या होता है सीयू, मीन कंट्रोल यूनिट, ओके। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सी डिवाइस है जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो आपकी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ओके। तो मूव करते हैं पेज नंबर 25 पे आ जाएं। पेज नंबर 25 पे एक एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, ये आपने काम अभी करना है। तो जल्दी से अपना स्केल ले लें और पेंसिल ले लें, और पेंसिल से सबसे पहले आज की डेट यहाँ मेंशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है, ओके। तो आज की डेट है 16 सितंबर 2020, ओके। लेट यू स्टार्ट द मैच द कॉलम, ओके। नंबर वन स्कैनर, तो स्कैनर आपने किससे मैच करना है, ठीक है, ये इसकी स्कैनर डिवाइस है। तो जल्दी से अपना स्केल लें और उसको मैच कर दें। इसके बाद है टच स्क्रीन, टच स्क्रीन आपकी ये रही, ओके, लास्ट। नंबर थ्री है ट्रैक बॉल, दिस इज़ अ ट्रैक बॉल, नंबर वन से मैच करेंगे, ठीक है। इसके बाद है लाइट पेन, ओके, लाइट पेन कहाँ मूव कर रहा है, ये रहा, यहाँ पे मैच कर रहे हैं। इसके बाद है बारकोड रीडर, तो ये आपका है बारकोड रीडर, सही। इसके बाद है लास्ट स्पीकर, तो ये है स्पीकर, तो आप ये देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद एक और आपका है होमवर्क टास्क, या बल्कि होमवर्क टास्क ले लें, ठीक है। यहाँ पे आपने मॉनिटर, स्कैनर, लाइट पेन, प्रिंटर, टच पैड, सीडी, पेन ड्राइव, स्पीकर, हार्ड डिस्क, ठीक है, डिवाइसेस के नेम दिए हुए, आपको कैटेगराइज करना है इनकी प्लेस पे पुट करना है, ठीक है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, तो इनको इनकी सही जगह पे आपने पेस्ट कर देना है। तो ये आज का होमवर्क टास्क है आपका, ओके। और एक होमवर्क है आपका ये रहा, ठीक है, पज़ल आपने सॉल्व करनी है, ठीक है, बहुत ईजी पज़ल है। इट इज़ अ पॉइंटनिंग डिवाइस, पॉइंटनिंग डिवाइस किसे कहा जाता है, जिससे आप अपना ईजिली वर्क कर सकते हैं, पेन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है इट इज़ अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, अभी हमने थोड़े पहले हमने रीडिंग की थी। इट इज़ स्टोरेज डिवाइस, कौन सी स्टोरेज डिवाइस होती है, आपको जो भी स्टोरेज डिवाइस आपको मिल जाए वो आपने यहाँ पे पहले ड्रॉ करनी है, मैच करनी, ठीक है, फाइंड करनी, और देन उसके बाद यहाँ राइट करनी है। इट लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन, ठीक है, तो लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन क्या चीज़ है, टीवी स्क्रीन की तरह नज़र आती है। इट रीड एंड स्कैन द टेक्स्ट, क्या चीज़ है जो आपका डेटा स्कैन करता है, ठीक है। इसके बाद सीपीयू का पार्ट क्या क्या है, कितने पार्ट्स हैं और कौन कौन से जो भी हैं वो यहाँ पे आपने फाइंड करने हैं। इसके बाद है इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ब्लैक लाइंस, ब्लैक लाइंस किस चीज़ की सीक्वेंस है, उसका नाम आपने फाइंड करके यहाँ पे राइट कर देना है, ठीक है। तो ये तमाम आपका जो भी आपने रीडिंग की हुई है सारी, तो आपको ये पता होगा कि आपने अगर रीडिंग गौर से सुनी होगी, तो अगर नहीं तो आप लोग रीडिंग्स अगेन करेंगे खुद और फिर इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगी और ये मैच करवा दूँगी, ओके।
तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।